Hi everyone and welcome to Fluent English KVS Learning Point. In this video, I'm going to share with you some advanced structure. By the help of that structure, we can develop our speaking skills, right? आज मैं आपको कुछ ऐसे structure के बारे में बताने वाला हूँ. By the help of that structure, हम लोग अपना speaking skills को develop कर सकते हैं. आज मैं आपको कुछ advanced structure के बारे में बताने वाला हूँ. So let's start. So for this, you have to just remember it. Take my words for it. प्लस सेंटेंस. आप अपने डेली लाइफ में कई बार ऐसा कहते होंगे कि मुझसे लिख कर ले लो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो. मुझसे लिख कर ले लो, सीता नहीं पढ़ सकती है. मुझसे लिख कर ले लो, राम नहीं गा सकता है. मुझसे लिख कर ले लो, तुम ये कर सकते हो. मुझसे ये लिख कर ले लो, तुम गाना नहीं गाओगे. मुझसे लिख कर ले लो, तुम ये नहीं कर सकोगे. राइट, इस तरह के सेंटेंसेस का हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. सो इसके लिए जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर. Take my words for it plus sentence. Take my words for it plus sentence. So our first sentence is, मुझसे लिख कर ले लो, वह झूठ बोल रहा है. Take my words for it. Take my words for it. वह झूठ बोल रहा है. क्या कर देना है? He is lying. He is lying. मुझसे लिख कर ले लो, वह झूठ बोल रहा है. Take my words for it. He is lying. So next. Sentences is your, मुझसे लिख कर ले लो, वो बहाने बना रही है. मुझसे लिख कर ले लो, वो बहाने बना रही है. मुझसे लिख कर ले लो, जब भी सेंस आएगा आपको कुछ नहीं करना. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट. टेक माई वर्ड्स फॉर इट. वो बहाने बना रही है. She is making excuses. मुझसे लिख कर ले लो, वो बहाने बना रहे. टेक माई वर्ड्स फॉर इट. सी इज मेकिंग एक्सक्यूजेस. राइट, मुझसे लिख कर ले लो, राम खेल रहा होगा. मुझसे लिख कर ले लो, राम खेल रहा होगा. टेक माई वर्ड्स फॉर इट. राम विल बी प्लेइंग. राम खेल रहा होगा. राम, व्हेनेवर यू विल राइट एनी नेम, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट. यू हैव टू राइट विथ कैपिटल लेटर. यू हैव टू स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. राइट, सो राम विल बी क्या कर रहा होगा? खेल रहा होगा. राम विल बी प्लेइंग. Are you getting all? So take my words for it. Ram will be playing. मुझसे लिख कर ले लो, तुम नाच सकते हो. उसको कॉन्फिडेंस दे रहा है ना, मुझसे लिख कर ले लो, तुम नाच सकते हो. Take my words for it. You can dance. Take my words for it. You can dance. You can dance. You can dance. मुझसे लिख कर ले लो, तुम नाच सकते हो. Take my words for it. You can dance. मुझसे लिख कर ले लो, सीता पढ़ रही थी. Take my words for it. सीता was reading. Sita was reading. So let me repeat again. मुझसे लिख कर ले लो, वो झूठ बोल रहा है. Take my words for it. He is lying. मुझसे लिख कर ले लो, वो बहाने बना रही है. Take my words for it. She is making excuses. मुझसे लिख कर ले लो, राम खेल रहा होगा. Take my words for it. Ram will be playing. मुझसे लिख कर ले लो, तुम नाच सकते हो. Take my words for it. You can dance. मुझसे लिख कर ले लो, सीता पढ़ रही थी. टेक माई वर्ड्स फॉर इट. सीता वॉज रीडिंग. सो सिमिलरली वी कैन मैक लॉट ऑफ सेंटेंसेस लाइक दिस. राइट, हम लोग इसी तरह के सेंटेंसेस का अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. इफ यू वॉन्ट देन यू कैन मैक लॉट ऑफ सेंटेंसेस. राइट, एंड आफ्टर राइटिंग वॉट विल यू डू? यू हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. इफ यू रिपीट दैट अगेन एंड अगेन, देयर आफ्टर इंग्लिश विल कम इन योर टंग ऑटोमेटिकली. राइट, जब तक आप इसको रिपीट नहीं करेंगे तब तक आपके टंग में नहीं आने वाली है. सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट. आपको रिपीट करना है. यू हैव टू रिपीट. राइट, फॉर एग्जांपल मुझसे लिख कर ले लो, झूठ बोल रहा है. टेक माई वर्ड्स फॉर इट इज लाइंग. मुझसे लिख कर ले लो, वो बहाने बना रहे. टेक माई वर्ड्स फॉर इट. इज मेकिंग एक्सक्यूजेस. राइट, आई होप यू आर ऑल गेटिंग माई पॉइंट्स. राइट, यू हैव टू डू नथिंग. राइट, आपको कुछ नहीं करना है. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट. यू हैव टू रिमेंबर इट दिस स्ट्रक्चर. टेक माई वर्ड्स फॉर इट एंड प्लस सेंटेंसेस. आपको कुछ नहीं करना है. टेक माई वर्ड्स फॉर इट लगा देना और उसके बाद सेंटेंसेस को यूज कर देना है. राइट, जो भी सेंटेंसेस होगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वट एवर. राइट, सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज आवर. आप अपने डेली लाइफ में कई बार ऐसा कहते होंगे, झूठा कहेगा, बदतमीज कहेगा, शैतान कहेगा, बदमाश कहेगा, धोखेबाज कहेगा, स्वार्थी कहेगा. राइट, मतलबी कहेगा. आप इस तरह के सेंटेंसेस का आप अपने डेली लाइफ में यूज करते होंगे. तो आप उस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? चले जाते हैं. आप बोलते हैं झूठा कहेगा. तो उसके लिए आपको जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट. यू आर अटरली प्लस आपको लगा देना जो एडजेक्टिव रहेगा. राइट, तो झूठा कहेगा. आप उस तरह के सेंस में आप क्या बोलेंगे? झूठा कहेगा.
किसी को बोल रहा है झूठा कहेगा, तो आप बोलेंगे यू आर अटरली लायर झूठा कहेगा, झूठी कहेंगे, यू आर अटरली लायर, राइट। धोखेबाज कहेगा तो बोलते आप यू आर, यू हैव टू जस्ट रिवॉर्म दिस स्ट्रक्चर, यू आर अटरली प्लस ऑब्जेक्टिव, यू आर अटरली धोखेबाज का क्या होता है कि चीटर, राइट। यू आर अटरली चीटर, धोखेबाज कहेंगे यू आर अटरली चीटर, स्वार्थी कहेगा यू आर अटरली सेल्फिश, स्वार्थी को आप क्या बोलते हैं, सेल्फिश, मतलबी भी बोलता है ना, मतलबी कहेगा यू आर अटरली सेल्फिश, राइट। चोर कहेगा आप बोलते हैं यू आर अटरली थीफ, चोर कहेगा। बदमाश कहेगा यू आर अटरली नॉटी, राइट। सो लेट मी रिपीट अगेन, आप अपने डेली लाइफ में कई बार इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते होंगे अपने डेली लाइफ में, राइट। सो फॉर दिस जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट, यू आर अटरली प्लस एडजेक्टिव, राइट, एडजेक्टिव एडवर्ब, झूठा कहेगा झूठी कहेंगी, यू आर अटरली लायर, धोखेबाज कहेगा यू आर अटरली चीटर, अगर आपको बोलना है स्वार्थी कहेगा मतलबी कहेगा तो आप बोलेंगे यू आर अटरली सेल्फिश। चोर कहेगा यू आर अटरली थीप, अगर आपको बोलना है चोर कहेगा यू आर अटरली थीप। आप कई बार इस तरह के सेंटेंसेस का आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो आज से आपको हिंदी यूज नहीं करना चोर कहेगा, नहीं बोलना, आपको बोलना है यू हैव टू स्पीक यू आर अटरली थीप। बदमाश कहेगा, अब बच्चों लोग बोलते हैं ना बदमाश कहेगा, यू आर अटरली नोटी, बदमाश कहेगा। आप इस तरह के सेंटेंस का आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आई होप यू आर ऑल गेटिंग माई पॉइंट्स, एंड यू हैव टू राइट, आफ्टर राइटिंग यू हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन, देयर आफ्टर इट विल इन योर टंग ऑटोमेटिकली, राइट। सो फर्स्ट झूठा कहेगा यू आर अटरली लायर, धोखेबाज कहेंगे यू आर अटरली चीटर, स्वार्थी कहेंगे यू आर अटरली सेल्फिश, चोर कहेंगे यू आर अटरली थीफ, बदमाश कहेंगे यू आर अटरली नॉटी। सो सिमिलरली वी कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस लाइक दिस। आई होप यू आर ऑल गेटिंग माय पॉइंट्स। गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, दे कैन ऑल्सो लर्न इंग्लिश बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, राइट। सो टिल देन हैव अ नाइस डे।